नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ऐतिहासिक किलों और महलों के लिए मशहूर राजस्थान के माउंट आबू में एक ऐसा किला है जहां नंदी तीन तरह के रंग बदलते हैं। माउंट आबू में स्थित इस किले का नाम है अचलगढ़ किला। अरावली की पहाड़ियों में बना ये किला दुश्मनों की वार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वास्तुकला के साथ यहां एक मंदिर भी देखने को मिलता है। इस किले से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से अचलगढ़ किला बहुत खास है। परमार वंश के राजाओं ने इसे बनवाया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा कुंभा ने इसे दोबारा बनवाया। महाराणा ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस किले को बनवाया था। इस किले की ऊंचाई और मजबूत बनावट दुश्मनों के हमले से बचाती थी। इस भव्य किले की ऊंची दीवारें, विशाल बुर्ज, सभा मंडप और सुंदर दरवाजे राजपूत कला और संस्कृति का प्रतीक है। अचलगढ़ किले में दो तरह के मंडप हैं। पहला सभा मंडप, जहां राजा अपने दरबारियों के साथ बैठक आयोजित करते थे। इस मंडप को नक्काशी और राजपूत स्थापत्य कला से बनवाया गया। वहीं पूजा मंडप धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए बनवाया गया था। इन मंडपों में पाठ पूजा की जाती थी। इस किले के अंदर एक मंदिर बना है जिसका नाम अचलेश्वर महादेव मंदिर है। इस अनोखे मंदिर में शिवलिंग की जगह भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहाँ एक नंदी बैल की भी मूर्ति स्थित है जो पांच धातुओं से बनी है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में लगी नंदी की मूर्ति तीन तरह के रंग बदलती है। अचलगढ़ किले में मंदाकिनी झील को पवित्र जलाशय माना जाता था। इस झील के पानी औषधीय गुणों से भरपूर होता था। इस झील से कई कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि सालों पहले ये झील घी से भरी हुई थी। यहाँ के ऋषि मुनि घी लेकर यज्ञ किया करते थे। अचलगढ़ किले का नाम आते ही लोग गुफाओं और खजानों की बात करते हैं। किले के अंदर की खुफिया गुफाओं की कई कहानियां सुनाई जाती हैं। आसपास के लोगों का कहना है इस गुफाओं में खजाना भी छिपा है। इन गुफाओं में कुछ निशान बने हैं जिन्हें देखकर लोग खजाने का अंदाजा लगाते हैं। ये किला हवेली नुमा तरीके से बना है। किले के चारों ओर गुंबद बने हुए हैं। एक समय में युद्ध के दौरान ये किला सेना का ठिकाना होता था। किले तक पहुंचने के पक्के रास्ते नहीं थे। पत्थर और जंगल के रास्ते से किले की चोटी तक पहुंचा जाता था। महाराणा ने भी सुरक्षा के उद्देश्य से इसे बनवाया था। हालांकि अब समय के साथ देखरेख के अभाव में किले के ऊपरी हिस्से में कुछ खंडरे दीवारें ही बची हैं। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।